हर महादेव। तो आ गई हूँ मैं एक और ब्लॉग लेके, और इसमें मैं आपको एक और उत्तराखंड के त्यौहार के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका नाम है भिटौली। भिटौली का मतलब ही होता है भेद। आने जमाने में क्या होता था कि उत्तराखंड के पहाड़ों में ज़्यादा कम्यूट करने के लिए चीज़ें नहीं होती थी। जब लड़कियाँ शादी करके दूसरे घर चली जाती थी तो उनके लिए अपने घर आना बहुत डिफिकल्ट होता था, और वो लोग बहुत टाइम तक अपने घर नहीं आती थी। तो चैत्र के मास में एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका नाम है भिटौली। भिटौली में लड़की का भाई, मेनली भाई यदि अगर किसी लड़की का भाई नहीं है तो उसके पिताजी भेंट लेके लड़की के ससुराल जाते हैं और उनको वो भेंट देते हैं। और इस चीज़ का लड़कियों को बहुत इंतज़ार रहता था कि कब हमारे घर से भेंट आएगी और हमारे घर का कोई सदस्य आएगा हमसे मिलने के लिए। परंतु अब इतनी ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं, गाड़ियाँ, बस, बाइक, सबसे आप ट्रैवल कर सकते हो, और मेन तो फ़ोन है, वीडियो कॉल पर आजकल इतनी बातें हो जाती है आराम से, तो अब इतना ज़्यादा नहीं होता प्रचलन। लेकिन हम लोग भिटौली का त्यौहार, और बहुत से लोग भिटौली का त्यौहार आज भी मनाते हैं, तो हम लोग भिटौली का त्यौहार इस प्रकार मनाते हैं कि मम्मी पोतन को और गुड़िया बाबा को घर बुलाती हैं और उनके लिए बहुत सारे खाने की चीज़ें बनाती हैं, उनका टीका भी करती हैं, और इस बार हमने प्रार्थना को भी घर बुलाया था कि वो भी भिटौली के लिए आ जाए। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने उन लोगों के लिए क्या क्या तैयारियाँ करी और हमने क्या क्या बनाया। तो हम सुबह वॉक पे गए थे और मम्मी ने चावल और सूजी को दही और उसमें मिक्स करके, चावल सूजी को दही में मिक्स करके ये भिगा के रखा हुआ था। अब हम इसे बनाएंगे, हम तो नहीं मम्मी बनाएंगी इसे सया। और मम्मी ने साइड में ये पुए और सीएल का बैटर भी भिगो के रखा हुआ है जिससे हम सीएल पुए बनाएंगे। ये सूजी को भिगा के बनता है, सूजी और आटे को, ये भी सूजी और चावल का आटा, वो भी तो सेम ही चीज़ है। अच्छा, इसको हम सुंदर सी शेप दे देंगे तो ये सीएल पुए हो जाएंगे, और इससे हम हलवा टाइप बना देंगे तो वो सया हो जाएगा। बस तो मीठी चीज़ है, हाँ चीज़ है, बट इसमें चीनी पहले डाल देते हैं ना, उसमें चीनी बाद में डाल देंगे। अच्छा, इसमें चीनी डली हुई है ऑलरेडी, हाँ सूजी पुए सीएल वाले में चीनी डली हुई है, और इसमें हम जैसे हलवा बनाते हैं इसको बिल्कुल वैसे बनाना है, चीनी इसमें बाद में डलेगी। और हर्षी यहाँ बैठ के धनिया बीन रही है, धनिया पुदीना बाल पूरी बना बनूंगी, धनिया हीरोइन बन के बैठी हुई है धनिया बीनने की। यहाँ पे घी गरम होने के लिए रख दिया है, अभी से मम्मी सीएल बनाए, टेस्टर डाला है अभी बनेंगे कि नहीं बनेंगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मम्मी का तो ये जैसा कि शायद अभी हुआ नहीं है, अभी से और फेटना है, पहले तो एक डालते ही भगवान जी। अच्छा सॉरी, हाँ ये टेस्टर भी, और लेकिन ये भगवान जी के नाम का है, गौ माता का, अग्नि के नाम का, गौ माता का, सबका है ये। सीएल बन रहे ट्रेडिशनल मेथड से बिल्कुल, वाह अब इसे पलटेंगे। बन गया, खुल गया ये, लेकिन थोड़ा अभी हमने आपको ट्रेडिशनल मेथड से बनाया, अभी हम आपको मॉडर्न मेथड से भी बना के दिखाएंगे, पाइपिंग बैग में डाल के कैसे बनेंगे। बेकर हैं हम, ऑफ कोर्स चीज़ों का यूज़ तो हमारे घर में होगा ही ना। ये लो पाइपिंग बैग, बन गया हमारा पहला सीयर। तब तक हम ये वाला भी बनाते हैं, ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड से बनाए गए सीएल पाइपिंग बैग लेके उसमें भरा मसाला बैटर। बेसिकली एक तरीके से जलेबी की तरह इसे बनाना होता है, बट थोड़ा सा मोटा रखना होता है। ज़्यादा मोटा नहीं हो गया आपको लग रहा है ये? चलो देखते हैं ये वाला कैसा बनता है, बट ये तो प्रॉपर ट्रेडिशनल वाले बने हैं, ऐसे ही बनते हैं पहाड़ों में भी, हाथ से बनाते हैं जो, ये तो हमारे नए ज़माने के चोचले। अच्छे से ब्राउन होने तक इसे पकाना है। सीएल बन गए हैं बहुत सारे, मम्मी ने तो पुए भी बना दिए हैं, तब जाके मैंने इन्हें बोला कि मुझे वीडियो बनाने दो। अब बन रही हैं पुए, बन रहे हैं पुए, मम्मी नहीं बन रही, पुए बन रहे हैं, हाथ से ही बनते हैं, ऐसा कोई मॉडर्न तरीका नहीं है। बड़ी प्लेट में ट्रांसफर हो रहे हैं सीएल क्योंकि जगह ज़्यादा ले रहे हैं, और पुए भी बन रहे हैं साइड बाय साइड। बढ़िया क्रिस्पी बने हैं आज तो पुए सीएल, मज़ा आ जाएगा सबको।
सिया पुए बन के रेडी हो गए हैं और अब बनेगा इसी घी में सया। ये सारा बैटर इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको घी में भी। घी वैसे ज्यादा है बट निकाल देंगे, उसके बाद ये बन जाएगा ना तो साइड से निकल जाता है इसका घी। इसको ढक के रख देंगे कितनी देर के लिए? 10-15 मिनट तो देखने। ठीक है, अब मम्मी ने शुरू कर दिया तैयारी खीरे के रायते की। आज हमारे घर में दावत बनने वाली है भयंकर। अभी किचन का कंट्रोल मम्मी के हाथों में, अभी थोड़ी देर में हर्षी के हाथों में आने वाला है। मेरा काम बस वीडियो बनाने का है। चटनी बनाएगी उसी अभी। देखते हैं देखते हैं। भाई मैं मम्मी ने पिछली राई भी डाल के रखी हुई है सुबह से, 1.5 घंटे के लिए पार्क जाते हैं, पता नहीं कितनी चीजें हो जाती है हमारी पीठ पीछे। तो भाई सुनो मम्मी, तो नाक में झमाक वाला बनेगा। हल्की सी लाल मिर्च डालोगी? नहीं, हम लाल मिर्च नहीं खाते। पहाड़ी खीरे का रायता, राई भर के खीरा एकदम चमक के आया है। ले अर्शी मुंह धो खीरे का पानी। मम्मूशी तू कभी गई भी है पहाड़? लोग कमेंट करके बोलेंगे आंटी जी हाथ यूज कर रही हैं अपने। हाइजीन वालों के पेट में दर्द हो जाएगा तभी तो। क्यों हाथ से कसा मैंने, दही में तो आपको दिक्कत ये है कि हाथ से खाना क्यों बन रहा है? थैली पहन के बनेंगे। मैंने पुए बनाए तो हाथ से कैसे पुए पर पॉलिथीन पहन के बनाती है? तभी तो कह रहे हैं हाइजीन वालों को थैली पहन के बनाओगे वो ज्यादा सही लगता है। हम तो भाई हाथ से ही बनाते हैं, हाथ से ही खाते हैं सब। चल अर्शी तेरी बारी है, अब शुरू हो जा। 10 मिनट बाद हम इसे खोल रहे हैं, पता नहीं जला होगा नहीं जला होगा, ये भी मम्मी ने गेस कर लिया है। वो थोड़ा क्रिस्पी चाहिए होता है ना। हाँ थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है ये, पहाड़ियों को क्रिस्पी चीजें ज्यादा पसंद है। क्रिस्पी क्रिस्पी सियल, क्रिस्पी पुए, क्रिस्पी साया। हर चीज अपने लेम जोक अपने पास रख। जला नहीं है ये, ऐसा ही बनता है। कहीं किसी को लग रहा होगा जी जल गया है, ना ना ये ऐसे ही होता है। ऐसा ही बनता है, ऐसा ही अच्छा लगता है। और ये वापस ढक देंगे। अब बूंदी का रायता भी बन रहा है। मम्मियों का अलग ही चलता है, पता नहीं 10-10, 15-15 चीजें बना देती है, बंदे कंफ्यूज हो जाए खाए तो खाएं क्या। खीरे का रायता, बूंदी का रायता, और अभी हर्षी भी 2-3 चीजें बनाएगी। सया भी बना है, सीयन भी बने, पुए भी बने हैं, और कुछ बना रहा है। हर्षी का पूरा टाइम पास चल रहा है, यहाँ बैठ के आलू काट रही है। इसे अभी पता नहीं कितनी चीज़ें बनानी है, ये काम मुझे दिया गया, लेकिन क्योंकि इसने बैठ के काम करना है इसने आलू काटने शुरू कर दिए हैं। यथार्थ तो उड़ाए गए क्योंकि वो सब उससे पता है हम सच कह रहे हैं। जल्दी खोल दिया नहीं। अच्छा अभी तो इसमें चीनी डलेगी, मैं तो भूल ही गई थी। हाउ मच चीनी, सो मच चीनी। करूँ मैं मिक्स? डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल रही है मम्मी थोड़ी सी सौंफ, जो हाजमे के लिए सही होती है और फ्लेवर भी बढ़िया आता है। हाजमे सही करने के लिए सही में सौंफ डाल दो। थोड़ी इलायची खुशबू के लिए। घी सारा ही खत्म हो गया मुझे लगा ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं था घी। वापस रख देंगे और क्रिस्पी।
नहीं मतलब ढक देते हैं थोड़ा। हर्षी ने मटर पनीर बनाना शुरू कर दिया है काजू और मगज के बीच के साथ। मम्मी ने तो पूरी बनाने में शुरू कर दिया, सब्जियां बनी नहीं है अभी तक तो। प्रसाद के लिए पूरी बन रही है। आलू काटने का टाइम पास कर रही थी, वो नहीं करती है तो शायद प्रेशर क्रिएट नहीं होता। साया खुल गया है, बढ़िया खुशबू आई है, एकदम बन चुका है वैसे। बस अब इसको एक बर्तन में खाली करना है। पूड़ियाँ बनने लग गई है प्रसाद के लिए, छोटी छोटी क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ी। ये हो गई हमारी भिटोली की थाली तैयार, पुए सियल साया और पूड़ी। और ये जाएगी सबसे पहले भगवान जी को। फाइनली किचन की कमान हर्षी के हाथ में आई है। इचक दाना कर रही है। क्या क्या बन रहा है? दो कढ़ाइयाँ, सम अमेजिंग मसाला आलू विद सम मटर पनीर। एक तो ना ये अपने अंदर के अंग्रेज को छोड़कर आया करो हमारे भारतीय व्लॉग में। भारतीय हाँ, और कुछ? और इसमें पक्का आलू बन रहे होंगे कुछ। yes. पहाड़ी हो और आलू ना बने। आलू एंड सम मटर पनीर और साथ में मटर का पुलाव। कितनी मटर खाएंगे भाई, मैं तो बोर हो गई हूँ मटर खा खा के। बस करो यार, चुकी रोल खाना बन जाएगा। बस ट्रांजिशन होता है ना, मटर के अलावा किसी की भी ट्रांजिशन कर दो भाई। बस अब गई यार सर्दियाँ, मम्मी को मना कर दिया, हम ना लाएंगे भाई। तो मैं तो सर्दियों के बीच में बोल देता मटर लाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग कर रही हूँ इसलिए मैं कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। अच्छा, पूरे घर की सफाई ना मैंने करी है। सफाई हमारे घर को जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे घर को सफाई। चलो आलू डालनी है, चीख के बोल रही आलू डल गए, आ जा। बन गए पहाड़ी आलू, देख रही है मसाला कितना बढ़िया है। पिछले वाले ब्लॉग में लोगों ने देख लिया होगा मसाला बढ़िया। नहीं, वो जब ज़्यादा ही क्वांटिटी होती है फिर उतना वो नहीं होता, कम वाले में ना थोड़ा ज़्यादा वो रहता है। उस दिन 7 किलो आलू थे, आज 1.5-2 किलो है। लोग आ गए हैं, यश बचा है अभी बस। पनीर की सब्जी बना दी थी, आलू भी रेडी हो गए हैं, खीरे का रायता रेडी है, बूंदी का रायता रेडी है, पूड़ियाँ रेडी हैं, ये चावल भी रेडी हैं। ये मम्मी टीका वीका लेके आ गई हैं। सज गई हमारी खाने की थाली, यहाँ पे सबकी प्लेट्स लग रही हैं और इसमें हम सारा भोग ऐसे लगा रहे हैं। सीएल सारा क्रिस्पी क्रिस्पी वाला पार्ट तोड़ लिया अपने लिए। चावल बनाए हैं और उसमें काजू डाल के उनको शाही चावल कर दिया है। गुड़िया वो हमारे लिए फ्राइड इडली लेकर आई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये तो। और पोतमा हमारे लिए नमक पारी भी लगाई थी घर के बने हुए, ये भी बहुत अच्छे होते, मैंने तो उसी टाइम खा लिए थे तुरंत। सारे बर्तनों को माँजती हुई एंड में चकाचक प्रिंसेस सफाई। अगले हमने आइसक्रीम बनाई स्ट्रॉबेरी वाली। यश आज पिटेगा, अटैक होगा यश पे। कॉफी टाइम सबका,
यश की चाय आ रही है अभी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी आइसक्रीम चल रही है वहाँ। नहीं नहीं चाय आ रही है, आ गई कॉफी आइसक्रीम।